नमस्कार बच्चों, छठी कक्षा के रामकथा के इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे आगे का पाठ, जिसे शीर्षक दिया गया है लंका में हनुमान। आगे की कहानी याद करें तो अंत में हमने देखा था कि जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं, उनकी शक्तियों की उन्हें याद दिलाते हैं और कहते हैं कि आपको ही सीता के पास जाना होगा, क्योंकि बीच में समुद्र है। तब उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है और पवन पुत्र हनुमान, जो पवन देव के पुत्र हैं, वे विराट समुद्र की ओर देखते हैं और उनकी आँखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था। यानी वो समुद्र की तरफ देखते हैं लेकिन वे समुद्र देव से कहते हैं कि मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ और आपको पार करने की मुझे शक्ति दीजिए। हनुमान ने अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया और ऊंची छलांग लगाई, आसमान में उड़ने लगे। आसमान में वे तेजी से उड़ने लगे। उनके उड़ने से वातावरण में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। वायु वेग से वे आगे बढ़ रहे थे, जैसे पवन है एकदम तेज़ी से आगे बढ़ता है, वैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती थी जब वो ऊपर से गुजर रहे थे। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखाई दे रही थी। ऊपर उड़ रहे थे लेकिन नीचे समुद्र के अंदर उनकी परछाई है वो पड़ रही है, और वो कोई बड़ी सी नाव हो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब समुद्र के अंदर एक पर्वत था और पर्वत का नाम था मैनाक सुनहरा। पानी को चीरता मैनाक पर्वत समुद्र में से ऊपर आया और वह चाहता था कि हनुमान थोड़ी देर उस पर विश्राम करें। हनुमान ने मैनाक की बात का अस्वीकार किया, क्योंकि वह अगर वहाँ रुक जाते तो राम के कार्य के लिए जो निकले थे उसमें विलंब हो जाता या देर हो जाती। हनुमान के रास्ते में कई और बाधाएं भी आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर वाली राक्षसी, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, यानी कि उसे धोखा दिया। उसने भू में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था, छाया राक्षसी थी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि राक्षस उस समय कितने मायावी हुआ करते थे। अब गंतव्य दूर नहीं था, अब उसने सिंहिका को भी मार दिया और उनका जो गंतव्य यानी कि उनका लक्ष्य था लंका, वो अब दूर नहीं है। लंका रावण की राजधानी थी, सोने की लंका थी। अब समुद्र के किनारे वे उतर गए और निकट से उसने लंका को देखा भी। हनुमान को थकान रंज मात्र नहीं थी, क्योंकि अपने भगवान के कार्य के लिए निकले थे तो उन्हें बिल्कुल थकान नहीं थी। चिंता थी कि सीता कैसे ढूंढेंगे, कैसे उसे पहचानेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने सीता मैया को देखा नहीं। अब हनुमान ने दूर से पूरी लंका का निरीक्षण किया, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कैसी सुंदरता है, कैसे कैसे भवन हैं और किस तरह यहाँ पर राक्षस हैं वह रहते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने देखी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं है, यानी कि अभी दिन में मैं जाऊंगा तो सभी मुझे देख लेंगे, ये सही नहीं है। इसलिए वे समुद्र के तट पर ही शाम की प्रतीक्षा में बैठे रहे। उसके सामने पहला प्रश्न ये था कि सीता का पता लगाना। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा नगर है, ऐसे में सीता कहाँ होगी, कैसे उसे ढूंढूं। अब शाम होने लगी। उस समय वृक्षों की डालियों से कूदते फांदते वे नगर में पहुँचे, राजमहल में गए। उन्हें लगा कि राजमहल के अंदर सीता को रावण ने रखा होगा। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए, हथियार लिए कई सारे पहरेदार भी वहाँ थे, लेकिन सभी की नज़रें बचाकर चुपके से हनुमान अंदर पहुँच गए। राजमहल विराट था, उन्होंने बहुत सारे राक्षस थे जो ज़्यादातर सोए हुए थे उनके चेहरे देखे, लेकिन उनमें से किसी का चेहरा सीता मैया जैसा नहीं लगा।
महल में रावण था, उनकी पत्नी मंदोदरी थी, लेकिन सीता वहाँ न थी। अब उन्होंने सारे घर छान मारे, पशुशालाएं देखी, यहाँ वहाँ सब कुछ देखा, लेकिन कहीं भी उन्हें सीता मैया दिख नहीं रही। लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं अवश्य सीता मैया को ढूंढ कर ही लौटूंगा। अंतःपुर से हनुमान बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हीरे मोती से जड़ा हुआ रावण का रथ खड़ा है। उसे देखकर हनुमान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि महल से बिल्कुल नज़दीक एक वाटिका है, छोटा सा बगीचा है, और उसके अंदर बहुत सारे अशोक के वृक्ष हैं। अशोक एक वृक्ष का नाम है, वह वृक्ष इस उद्यान के अंदर काफ़ी सारे हैं। अब पहले हनुमान जी सोचते हैं कि सीता मैया को मैंने हर एक जगह नहीं ढूंढा, ऐसा नहीं है, हर एक जगह मैं देखकर आया हूँ, सिर्फ यही एक जगह है जहाँ मैंने सीता मैया को नहीं ढूंढा। लेकिन खुद भी ये सोचते हैं कि रावण जैसा राक्षस सीता मैया को ऐसी जगह पर नहीं रखेगा। यही सोचते सोचते थोड़े से निराश होकर वो एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब दिन निकल आया है तो पूरा दिन वो उसी के पेड़ के पत्तों की ओट में छिपकर बैठते हैं। यहाँ से उन्हें पूरा नगर सभी कुछ दिखाई दे रहा था। अब रात हो गई, अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्ठहास की आवाज़ सुनाई देने लगी, यानी कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। ये सारी राक्षसियाँ थी, एक वृक्ष के नीचे झुंड बनाकर खड़ी हुई थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर ही हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए, ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। उन्होंने देखा कि सारी राक्षसियाँ हैं, उन्हीं के बीच एक स्त्री भी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकाग्रस्त, यही माँ सीता हैं, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, क्योंकि इतनी सारी राक्षसियों के बीच एक दुर्बल और उदास स्त्री बैठी हुई थी। हनुमान सीता से मिलना चाहते थे, लेकिन उतनी ही देर में वहाँ पर रावण आ जाता। हनुमान बिना सीता मैया से मिलने नहीं लौटना चाहते थे, उन्हें मिलकर लौटेंगे, अगर नहीं मिले तो राम को क्या मुंह दिखाएंगे। यही सोचकर वे रावण के वापस जाने का इंतज़ार करने लगे। अब रावण सीता मैया से जो बातें करता है वह हनुमान जी सुनते हैं। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं सुमुखी, सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली स्त्री, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, यानी कि मेरे पास इतनी संपत्ति है उसे भोगो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसी धमकी देकर रावण वहां से आगे निकलता है। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट रावण, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निश्चित है। इस तरह से सीता रावण को सुनाती है। ऐसे में रावण पैर पटकता वहाँ से चला जाता है। सारी राक्षसियाँ जमा होती हैं और सीता को समझाती है कि तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो, यह रावण की नगरी है, तुम्हारे राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकते, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इस तरह की बातें कर रही हैं। इनमें से एक राक्षसी त्रिजटा थी, जो हमेशा सीता का भला चाहती थी। अब सारी राक्षसियाँ भी एक एक कर चली जाती हैं। उस समय हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर राम की कथा प्रारंभ की। उन्हें लगा कि मैं ऐसे ही सीता मैया के सामने जाऊंगा तो वो मुझे कहीं राक्षस न समझ ले, इसलिए पेड़ पर बैठकर वे श्री राम के गुण गाने लगे। ऐसे में सीता मैया ने उन्हें चौंक कर ऊपर की तरफ देखा, तुम कौन हो? हनुमान नीचे उतरे, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वनराज सुग्रीव का अनुचर, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए, यानी कि इस तरह हनुमान अपना परिचय देते हैं। हनुमान सीता मैया को अपने
पीठ पर बैठाकर उड़ाकर श्री राम के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन सीता मैया मना करती हैं कि अगर मैंने ये कार्य किया और अगर हम पकड़े गए तो हे पुत्र, हे हनुमान, अगर हम पकड़े गए तो मेरा संदेशा राम तक नहीं पहुंचेगा। इससे अच्छा है कि तुम राम तक यानी मेरे पति तक ये संदेशा ही पहुंचाओ। इस तरह हनुमान एक से दूसरी अटारी पर जाते जाते सभी भवनों में आग लगाकर हाहाकार मचाकर वहां से निकल रहे हैं। वहां से निकलकर वे श्री राम के पास पहुंचे। प्रसन्नता से वानरों का उत्पात करता हुआ दल श्री राम की तरफ आने लगा। हनुमान जी ने श्री राम को मैया सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से उन्हें बताई। मैंने उनसे भेंट की, यानी हनुमान जी कहते हैं मैं सीता मैया से मिलकर आया हूँ। वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा यदि श्री राम 2 महीने में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए, यानी ये बातें सुनकर दुखी हो गए। भाव विवल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। आंसू रुके नहीं। अब उनका जो लक्ष्य है वो उनके सामने है, और वो लक्ष्य था लंका पर आक्रमण करना। अब उनका लक्ष्य लंका विजय उनके सामने था, पर उनके सामने एक चुनौती थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। यही चर्चा पूरी रात चलती रही और सभी यही सोच रहे हैं कि हनुमान की तरह कोई उड़ नहीं सकता तो किस तरह हम लंका पर आक्रमण करें। तो इस तरह से हमने यह पाठ देखा, जिसमें हम देखते हैं कि हनुमान जी किस तरह लंका पहुंचते हैं और किस तरह वापस आकर मैया का यानी सीता मैया का संदेश श्री राम को देते हैं। इस पाठ पर से कुछ प्रश्न हैं जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक के अंदर उसे नोट करते जाना है और उसके जवाब भी लिखने हैं। पहला प्रश्न, समुद्र में कौन सा पर्वत था? समुद्र में कौन सा पर्वत था? प्रश्न नंबर 2, समुद्र पार करते समय हनुमान को कौन सी राक्षसियाँ मिली? प्रश्न नंबर 2, समुद्र पार करते समय हनुमान को कौन सी राक्षसियाँ मिली? प्रश्न नंबर 3, रावण की रानी कौन थी यानी उनकी पत्नी? प्रश्न नंबर 3, रावण की रानी कौन थी? प्रश्न नंबर 4, रावण ने सीता को कितने महीने का समय दिया? प्रश्न नंबर 4, रावण ने सीता को कितने महीने का समय दिया? प्रश्न नंबर 5, त्रिजटा कौन थी? प्रश्न नंबर 5, त्रिजटा कौन थी? प्रश्न नंबर 6, लंका पर चढ़ाई करने में चुनौती क्या थी यानी क्यों चढ़ाई नहीं कर पा रहे थे? प्रश्न नंबर 6, लंका पर चढ़ाई करने में चुनौती क्या थी?